मुक्त है, सत्य बोलो मुक्त है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारियों का जो संघर्ष चल रहा है 100 दिनों से, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 101 दिन होने पर ये माल एवेन्यू वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर सब एकत्र हुए और राजभवन जाना चाहते थे, जहां जाकर राज्यपाल को ज्ञापन देना था, लेकिन हमेशा की तरह से पुलिस ने इनको वहीं वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर थाम लिया, बसों में भरा, गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार करके हमेशा की तरह से वापस इको गार्डन। अघोषित जेल है ये, यहां लाए, दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कर्मचारी बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठे और चेयरमैन देवराज का पुतला बनाकर उनकी अर्थी सजा दी। जैसे ही कर्मचारियों की गिरफ्तारी की खबर पूरे प्रदेश में फैली, जगह जगह एमडी और चेयरमैन का पुतला फूंका जाने लगा। और दोस्तों, आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि एक जगह तो बिल्कुल बाकायदा शमशान घाट तक चेयरमैन की शव यात्रा ले जाई गई और आप देख रहे हैं किस तरीके से शमशान घाट के अंदर चेयरमैन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों जरूरी है, किस लिए यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, और उसके बाद जैसे ही यह खबर पहुंची तो शाम को इको गार्डन में भी धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने पुलिस और एलआईयू से बचते हुए चेयरमैन का पुतला फूंका। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि क्यों जरूरी है, क्योंकि आज हम एक्सेस सख्त से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो चलती लाइन पर संविदा कर्मचारी काम कर रहा था और वो नीचे गिरा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी ने उसको नहीं पूछा। 101 दिन पूरे हो चुके हैं, इससे एक दिन ठीक पहले जब 100 दिन पूरे हुए थे, यानी कल, इको गार्डन में एक मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद और देवेंद्र कुमार पांडे ने सबको संबोधित करते हुए 16 दिसंबर का प्रोग्राम तय किया कि राजभवन की ओर जाएंगे और अगर बात नहीं बनी तो फिर उसके बाद 24 दिसंबर को बड़ा ऐलान और विधानसभा घेराव की तैयारी होगी। लेकिन वही हुआ, पुलिस ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर अरेस्ट कर लिया, वापस इको गार्डन आ गए। खैर, ये चुप नहीं बैठे, तो आज हम एक ऐसे कर्मचारी से भी आपकी बात कराएंगे और साथ ही पांडे जी से यह भी जानना चाहेंगे कि आज दिन का घटनाक्रम कैसा था और अब आगे आंदोलन इनका कैसे आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप आए हुए हैं और लग रहा है कि काफ़ी गंभीर आपको चोट लगी जी। क्या आपका नाम है, कहाँ से आए हैं और कैसे ये दुर्घटना हुई? हमारा नाम महेश कुमार उर्फ गब्बर है, हम यहाँ गहरू उप केंद्र से हैं। अब हमको अटैच कर दिया गया अम्बेडकर पावर हाउस जी। ये दुर्घटना कैसे हुई, ये बेल्ट आपके लगी हुई है? लाइन मैन द्वारा गलत सिट डाउन लिया गया। तो कहाँ पर आप काम कर रहे थे? ये मखदूमपुर कैथी है। अच्छा, वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ काम कर रहे थे जी। जैती खड़ा सिट डाउन लेना था तो ले लिए चंद्रावर फीडर का जी। तो कैसे करंट आ गया एकदम से लाइन में? लाइन चालू कर दी गई जी, फिर करंट लगा आपको? गला सिट डाउन की वजह से करंट लग गया जी। तो पूरी पूरी घटना तो बताइए, कैसे फिर गिर गए या कैसे? गिर, हम ऊपर से नीचे गिर गए थे जी। आधा शरीर मेड़ के एक तरफ था, आधा शरीर एक तरफ जी, तो रीढ़ डैमेज हो गई। और कितनी उम्र है आपकी? वही 30 साल जी। तो फिर कुछ पावर कॉर्पोरेशन ने आपकी मदद करी, कुछ कोई इलाज में सहायता? एक डेढ़ महीना ठेकेदार द्वारा इलाज कराया गया और जो एसडीओ थे एक मिश्रा, वो इलाज के लिए मिनाह कर दिए। उसके बाद वो कहने लगे कि ये ठेकेदार का आदमी है, इनको हम नहीं देखेंगे। मतलब कॉर्पोरेशन से कोई मदद आपको जी नहीं मिली? और दोस्तों देखिए, अब ये दूसरा सबसे बड़ा सच है, ये कर्मचारियों ने खंभे पे चढ़ने के लिए एक देसी जुगाड़ बना रखी है। और कर्मचारियों ने बताया कि कभी कभी जब खंभा पॉलिश होता है तो इससे वो सीधा नीचे फिसल करके आ गिरते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सुरक्षा उपकरण तक नहीं मुहैया करा सकता अपने संविदा कर्मचारियों को यह पावर कॉरपोरेशन, और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, 500-600 आदमी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा कि इनका जो यह आंदोलन चल रहा है, अब इसमें आम आदमी को भी अपनी आवाज उठा लेनी चाहिए, क्योंकि बिजली से तो हम सभी कभी ना कभी प्रभावित जरूर होंगे। पानी, आज 16 दिसंबर है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बांग्लादेश आज के दिन ही आजाद हुआ था। आपके धरना प्रदर्शन को भी 101 दिन हो गए हैं और आपने भी अपनी आज़ादी के लिए आज जब इको गार्ड से निकल करके राजभवन की ओर जाना चाहा तो वीआईपी गेस्ट हाउस पर आपको रोका गया, उसके बाद वापस गिरफ्तार करके इको गार्डन लाए, फिर यहाँ शव यात्रा निकली और अब पुतला भी जलाया गया चेयरमैन का।
पूरे दिन का घटनाक्रम क्या रहा? आज हम लोग सुबह 9 बजे से VVIP गेस्ट हाउस हजरतगंज लखनऊ पर इकट्ठा होना शुरू हुए। इसमें से कुछ लोगों को दूसरे साइड में भी रखा गया था कि जैसे मैसेज आता है सब लोग जो है राजभवन के लिए निकलेंगे। राजभवन से जैसे ही हम लोग VVIP गेस्ट हाउस से जैसे ही हम लोग राजभवन के लिए निकले, बीच रास्ते में ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। काफ़ी देर तक घंटों जद्दोजहद चलती रही। अंत में जब पुलिस प्रशासन ये समझा कि ये लोग मानेंगे नहीं तो भारी पुलिस फोर्स तैनात करके हम लोगों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके हम लोगों को इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में ले आ करके छोड़ दिया गया। इसकी सूचना पूरे प्रदेश को के संविदा कर्मचारियों को मिला। पूरे प्रदेश में बिजली के संविदा कर्मचारियों द्वारा चेयरमैन पावर कॉरपोरेशन की शवयात्रा और पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। कहीं कहीं पर गिरफ्तारियां भी देने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के कर्मचारियों में आक्रोश है कि हम लोग लाइनमैन का काम करते हैं तो हम लोगों का अनुबंध लाइनमैन का क्यों नहीं किया जाता है, लाइनमैन का काम करा करके लेबर का अनुबंध क्यों किया जाता है। हम लोग उपकेंद्र परिचालक का कार्य करते हैं तो उपकेंद्र परिचालक का अनुबंध क्यों नहीं किया जाता है, उपकेंद्र परिचालक का अनुबंध करने के स्थान पर लेबर का अनुबंध क्यों किया जाता है। पावर कॉरपोरेशन द्वारा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आउटसोर्स से रखने के लिए 21,665 रुपये देने का आदेश निर्गत किया है तो हम लोगों की 18,000 की मांग है, इस मांग पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन नीतियों के खिलाफ नियमित प्रकार के कार्यों को मस्टरोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर कार्य कराने के स्थान पर ठेकेदारी व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की तैनाती करके कार्य क्यों कराया जा रहा है। हम लोगों के EPF में वर्ष 2000 से आज तक घोटाला होते चला आ रहा है। संगठन द्वारा बार बार मांग करने पर भी इस घोटाले की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। हम लोगों की दुर्घटनाएं हो जाती है, ESIC से हम लोगों का पैसा भी कटता है लेकिन हम लोगों का उपचार क्यों नहीं कराया जाता है। उपचार के अभाव में हमारे साथियों की मृत्यु हो रही है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है। कार्य लाइनमैन का लिया जा रहा है, अनुबंध लेबर का किया जा रहा है जिसके कारण लाइनमैन के कार्य के अनुरूप सुरक्षा उपकरण नहीं मिल रहा है और सुरक्षा उपकरण के अभाव में हम लोगों की आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसमें हम लोगों की मृत्यु हो रही है। जो कर्मचारी बच रहे हैं वो अपंग होकर के दूसरे के सहारे जीवन यापन करने के लिए विवश हो रहे हैं। ये तमाम विसंगतियों को लेते हुए संघ द्वारा 7 सितंबर 2021 से इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में आंदोलन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। उसी के क्रम में पूर्व नोटिस के तहत हम लोगों द्वारा आज राजभवन पर धरना देकर महामहिम को अपनी समस्याओं से अवगत कराने का निर्णय लिया गया तो हम लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन क्यों भेज दिया गया। इसी प्रकार से हम लोग 15 नवंबर को जब शक्ति भवन पर हजारों की संख्या में पहुंचे तो वहां पर भी हम लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन क्यों भेज दिया गया। और यदि 15 नवंबर को हम लोगों को इको गार्डन भेज दिया गया तो 15 नवंबर से आज 16 दिसंबर है, इस एक माह के अंदर पावर कॉरपोरेशन द्वारा हम लोगों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रख करके आज हम लोगों द्वारा महामहिम के यहाँ जाने का निर्णय लिया गया था, वहाँ पर रोका गया। रोकने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष महोदय हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष महोदय माननीय ऊर्जा मंत्री जी की भी बातों को नहीं मान रहे हैं, नहीं तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा जब वार्ता हुई थी तो साफ शब्दों में कह दिया गया था कि आप लोगों की मांग जायज हैं और प्रबंधन से कहा था कि इन लोगों की मांगों को नियमित रूप से इसका परीक्षण कर लीजिए करके इसको लागू किया जाए, लेकिन आज तक क्यों नहीं लागू हुआ और ना ही इस संबंध में
हम लोगों को कोई आश्वासन दिया गया। प्रबंधन द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी हम लोगों का उत्पीड़न करते हुए किसी कर्मचारी का 4 दिन का, किसी कर्मचारी का 5 दिन का वेतन क्यों काट लिया गया, कर्मचारियों को हटाने के सिलसिला क्यों जारी है, जबकि ये सारी चीज़ें आश्वासन में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को ना तो हटाया जाएगा और ना ही किसी कर्मचारी का वेतन काटा जाएगा, इसके बावजूद भी ये सब किया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। 55 वर्ष का हवाला दे करके कंपनियों और अधिकारियों की मिली भगत से कर्मचारियों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। ये तमाम विसंगतियां हैं। पावर कॉरपोरेशन में जो कंपनियां आई हैं पैसा लेकर के कर्मचारियों को रखने का कार्य कर रही हैं। साक्षात बात जो भी हो साक्ष्यों के साथ बताने के बावजूद भी पावर कॉरपोरेशन द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि इस संबंध में माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया था कि इन लोगों की बातों को ध्यान में रख करके इन कंपनियों पर कठोर कार्रवाई किया जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर के आज ये कार्यक्रम किया गया। पाणी जी, बात यह है कि 101 दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन के और आज 16 दिसंबर है, धीरे धीरे आचार संहिता और बड़ी सर्दी के मौसम की तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे में संघ का आंदोलन और ऐसे आगे कैसे चलेगा? संघ का आंदोलन ये आज के बाद और तेज हो जाएगा और ना जाने कितने प्रकार से ये आंदोलन शुरू किए जाए, कहां कहां से ये आंदोलन शुरू किए जाएं। आज पूरे प्रदेश में आज गिरफ्तारी जो हुई है इसको लेकर के पूरे प्रदेश में कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। यदि ये कर्मचारी अपना हाथ खड़े कर लिए तो पावर कॉरपोरेशन के बूते की बात नहीं है कि बिजली विभाग की अनुरक्षण सेवा, लोगों को बिजली पहुंचाने, कल कारखानों को बिजली पहुँचाने, रेलवे को बिजली पहुंचाने का ये लोग कार्य कर सकें, ये सारे कार्य इन बिजली के ठेका मजदूरों पर ही निर्भर करता है। इसलिए पावर कॉरपोरेशन को समय रहते इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पाणी, जैसा कि संघ ने निर्णय लिया था कि 16 दिसंबर को राजभवन का घेराव किया जाएगा और अगर बात नहीं मानी गई तो 24 दिसंबर को विधानसभा कूच करने का ऐलान था, तो जैसे ही आप लोग निकलते हैं या तो इको गार्डन से निकलने नहीं दिया जाता या फिर गिरफ्तार करके वापस इको गार्डन ले आया जाता है, तो क्या ऐसे में 24 दिसंबर का जो संघ का ऐलान था वो जारी रहेगा? संघ का जो 24 दिसंबर 2021 का शक्ति भवन और विधानसभा पर जो काल किया गया है ये निश्चित तौर से होगा और 24 दिसंबर को लखनऊ पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं होगी कि हम लोगों की गिरफ्तारी कर ले, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक प्रशासन का पूरा सहयोग किया है लेकिन प्रशासन द्वारा हम लोगों की आवाज़ को दबाने का कार्य किया गया है जो 24 दिसंबर को देखने को नहीं मिलेगा। या तो हम लोगों को न्याय मिलेगी या उस दिन प्रशासन की मंशा विफल होगी।